हेलो बच्चों आज मैं आपको क्लास नाइन्थ जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर फिफ्टी सिक्स कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास ट्वेंटी एट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फिर वही आज की वर्कशीट में एलजेब्रिक आइडेंटिटी इसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट वर्कशीट में हमने दो आइडेंटिटीज समझी थी ठीक है चलिए आज आगे की दो और समझ लेते हैं तो आज हम करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है आगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और एक है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी जिसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू, ए इंटू बी ठीक है आज इन दो आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं देखो क्वेश्चंस क्या है सबसे पहले आपको कह रहे हैं ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर माइनस थर्टीन का स्क्वायर तो यहाँ पर सॉल्व कर करके देखते रहते हैं ठीक है तो देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि होती है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ठीक है ना तो x की जगह 29 है प्लस y की जगह 13 है फिर x की जगह 29 है और y की जगह 13 है माइनस कर दिया तो 9 प्लस थ्री ट्वेल्व हो जाएगा 2 3 और एक 4 42 हो गया और 29 9 में से 3 जाएगा 6 वन सिक्सटीन आ गया ठीक है अब आप क्या करो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना तो ये ना 42 टू इंटू सिक्सटीन मल्टीप्लाई करोगे आंसर नेक्स्ट 101 का होल स्क्वायर माइनस नाइनटी नाइन का होल स्क्वायर सेम आइडेंटिटी यही वाली लगेगी जो यहां पर लगी थी तो ए प्लस बी तो वन जीरो माइनस बी मतलब वन जीरो वन माइनस नाइनटी नाइन तो जब आप वन जीरो वन में 99 नाइन को प्लस करोगे तो टू हंड्रेड आ जाएगा और जब आप माइनस करोगे तो टू आएगा इन दोनों को माइनस करोगे तो फोर तो हंड्रेड आपका आंसर क्लियर नेक्स्ट है x माइनस फोर और x प्लस फोर यहाँ पर आपको उल्टा दे रखा है ध्यान से देखिएगा ये वाली x माइनस फोर और x प्लस फोर है तो देखो आइडेंटिटी आपके पास होती है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो वो होती है x प्लस वाई और x माइनस वाई ठीक है अभी तक ऊपर के दो क्वेश्चनों में ये दो आपको दे रखा था तो आपने ये यूज किया लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये दो दे रखे हैं ध्यान से देखो तो आप ये यूज करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो एक्स की जगह एक्स है और वाई की जगह फोर दे रखा है तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन आपका आंसर क्लियर देखो ये ठीक है नेक्स्ट है आपके पास थ्री माइनस टू एक्स और थ्री प्लस टू एक्स सेम यही चीज यहां पर भी है दोनों इसी पे थ्री माइनस का टू एक्स है और थ्री प्लस का टू एक्स है तो सेम यही आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर भी इस बार भी आपको ये वाली चीज दे रखी है और ये आपको निकालनी है तो एक्स स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब टू एक्स का स्क्वायर तो थ्री का स्क्वायर तो नाइन हो जाएगा टू एक्स का स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका आंसर क्लियर चलिए अब आपको दो तीन क्वेश्चन इस पे बेस दे रखे फोर्टी सेवन का स्क्वायर माइनस फोर्टी थ्री का स्क्वायर आइडेंटिटी एक बार मैं यहाँ पर लिख लूँ आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है ये आइडेंटिटी किसी भी क्वेश्चन में छोड़नी नहीं है ठीक है ना तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है ये चीज दे रखी है तो एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई ठीक है अब जब आप 47 में अगर मैं यहाँ पर 43 को प्लस करूं तो मेरा 90 आ जाएगा अब 47 में से यहाँ पर मैं क्या करूँ 43 को माइनस कर देती हूँ तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा ठीक है ना अब आप देखो यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री सिक्सटी ये आपका आंसर क्लियर फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट भी यहाँ पर करते हैं तो सेम आइडेंटिटी लिख रही है पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो x प्लस वाई एक हो जाएगा और x माइनस का वाई एक हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 199 नाइन्टी में वन तो यहाँ आ जाएगा 199 यही आपका आंसर है ठीक है 100 प्लस नाइन्टी हो जाएगा 199 और 100 माइनस नाइन्टी नाइन हो जाएगा क्लियर हो गया चलिए थर्ड पार्ट है x प्लस टू और x माइनस टू इस बार आपको ये वाला पार्ट दे रखा है दूसरे वाला पार्ट आपको लिखना है तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का टू का स्क्वायर तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का फोर थाना आसान नेक्स्ट वाला भी आसानी है सेम वही आपको सेकेंड वाला पार्ट आपको दे रखा है फर्स्ट वाला आपको लिखना है तो थ्री एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो थ्री एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर माइनस का वन ये आपका आंसर क्लियर चलिए अब दूसरी आइडेंटिटी वाला करते हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाला तो यहाँ है वन जीरो फाइव इंटू वन जीरो सिक्स यहां लिखते हैं फिर करते हैं इसको देखो इसको ना पहले आपको आइडेंटिटी की फॉर्म में खुद बनाना पड़ेगा वो कैसे बनाओगे आप यहाँ पर तो इसको आप लिख सकते हो हंड्रेड प्लस फाइव और हंड्रेड प्लस सिक्स ठीक है अब आइडेंटिटी एक बार मैं यहाँ लिख रही हूँ तो वो होती है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी जो कि होती है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए इंटू में बी ठीक है एक्स की जगह यहाँ पर हंड्रेड है ए की जगह यहाँ पर फाइव है और बी की जगह यहाँ पर सिक्स है सिर्फ पुट करना है ये आपको दे रखा है दोनों तो आप राइट हैंड साइड वाला यूज़ करोगे एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा हंड्रेड का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब फाइव प्लस सिक्स इंटू में एक्स मतलब हंड्रेड ए इंटू बी मतलब फाइव इंटू में सिक्स ठीक है ना तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टेन थाउजेंड फाइव प्लस सिक्स हो जाएगा लेवन लेवन को हंड्रेड से इंटू करेंगे तो इलेवन हंड्रेड और फाइव इंटू सिक्स हो जाएगा थर्टी तीनों को प्लस कर दो आपका यहां पर यह आंसर आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट है नाइनटी नाइन प्लस वन जीरो टू नाइनटी नाइन है मल्टीप्लाई में वन जीरो टू है अब इसको कैसे करें तो पहले आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा देखो इसको तो मैं लिख देती हूँ हंड्रेड प्लस का टू इसको मैं लिख देती हूँ हंड्रेड माइनस का वन आप सोच होंगे आइडेंटिटी तो मेरे पास दोनों प्लस वाली है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली है तो फिर ये कैसे लगेगा बिल्कुल सही सोच रहे हो जो भी सोच जो भी बच्चा सोच रहा है ये तो अब आप क्या करो यहाँ पर x की वैल्यू तो 100 ही है a की वैल्यू माइनस वन है इस बार b की वैल्यू टू है ठीक है क्योंकि आप इस 100 माइनस वन को ऐसे भी तो लिख सकते हो 100 प्लस माइनस वन एक की तो बात है है ना प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना इसीलिए तो यहाँ आ जाएगा हंड्रेड का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी तो माइनस वन प्लस टू इन में एक्स है तो इंटू में हंड्रेड ए इंटू बी मतलब माइनस वन इंटू में टू ठीक है तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हंड्रेड का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा टेन थाउजेंड देखो टू में से वन जाएगा तो वन बचेगा वन इंटू में वन हंड्रेड हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का टू आएगा ठीक है ना एक बार चेक कर लो यही आपका यहाँ पर होगा ये रहा तो इन दोनों को प्लस करो टू को माइनस करो आंसर आ जाएगा ठीक है अब अगला है एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फाइव इस बार आपको पहले से ही आइडेंटिटी के फॉर्म में बना के दिया है उन्होंने तो सीधा आपको आइडेंटिटी लगानी है अब तो और कुछ नहीं करना तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी तो ए की वैल्यू यहाँ थ्री है बी की वैल्यू यहां फाइव है इंटू में एक्स तो एक्स ही रहेगा ए इंटू बी मतलब थ्री इंटू फाइव ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा एट एक्स प्लस थ्री फाइव या फिफ्टीन ये आपका आंसर क्लियर है ये नेक्स्ट है एक्स प्लस एट और x माइनस टेन देखो यहाँ एक माइनस का है फिर से तो एक्स प्लस एट और यहां पर आ जाएगा x माइनस का टेन ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस एट प्लस माइनस का टेन ठीक है इंटू में x की जगह x ही है और ए इंटू बी मतलब एट और b की वैल्यू थी माइनस टेन याद रखिएगा आइडेंटिटी हर पार्ट पे लिख लिखनी है किसी भी पार्ट में भूल मत जाइएगा ठीक है एट में से टेन जाएगा तो माइनस का टू बचेगा एक्स से मल्टीप्लाई यहां पर माइनस एटी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एटी क्लियर चलिए कुछ क्वेश्चन तो में बना लेते हैं तो हंड्रेड प्लस थ्री और हंड्रेड प्लस सेवन कर सकते हैं हम ठीक है तो वही चीज यहां पर देखी जाए तो x की वैल्यू हंड्रेड है a की वैल्यू थ्री है और b की वैल्यू सेवन है आइडेंटिटी लिखना मत भूलिएगा हर पार्ट में लिखनी है ठीक है एक्स स्क्वायर मतलब हंड्रेड का स्क्वायर ए प्लस बी मतलब थ्री प्लस सेवन एक्स का मतलब हंड्रेड हो जाएगा ए इंटू बी मतलब थ्री इंटू में सेवन ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टेन थाउजेंड थ्री प्लस सेवन टेन टेन को हंड्रेड से इंटू करेंगे वन थाउजेंड थ्री सेवन ट्वेंटी वन अब आप टेन थाउजेंड में वन थाउजेंड प्लस करोगे तो 11,000 थाउजेंड आ जाएगा ठीक है और ट्वेंटी वन ही ऐसे ही रहेगा तो आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो वन जीरो थ्री और वन जीरो सेवन को मल्टीप्लाई करके तो आपका आंसर यही आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं नाइन्टी फाइव इंटू नाइन्टी सिक्स ये है तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हो या तो नाइन्टी प्लस फाइव ले लो और नाइन्टी प्लस सिक्स ले लो ठीक है या फिर हंड्रेड माइनस फाइव और हंड्रेड माइनस फोर लेके कर सकते हो फिर वो माइनस वाले हो जाएंगे आपकी मर्जी है ठीक है ना देखा जाए तो यहाँ एक्स की वैल्यू नाइन्टी है ए की वैल्यू फाइव है और बी की वैल्यू सिक्स है ठीक है तो एक्स स्क्वायर मतलब नाइन्टी का स्क्वायर ए प्लस बी मतलब फाइव प्लस सिक्स और यहाँ पर x मतलब नाइन्टी a इंटू बी मतलब फाइव इंटू सिक्स नाइन्टी का स्क्वायर आ जाएगा एट्टी वन हंड्रेड फाइव सिक्स जो थर्टी हो जाएगा ठीक है अब सॉरी फाइव में सिक्स प्लस करेंगे तो इलेवन आ जाएगा इलेवन को नाइनटी से इंटू करेंगे तो नाइन नाइन्टी आ जाएगा अब फाइव सिक्स या थर्टी हो जाएगा अब आप इन तीनों को प्लस कर लो तो मैं आपको डायरेक्ट प्लस करके ही बता रही हूँ कि आपका कितना आंसर आएगा ठीक है ना तो आपका आंसर आ जाएगा नाइन वन टू जीरो क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो एग्जाम में कि सेम आंसर आ रहा ही नहीं आ रहा ठीक है चलिए एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस टेन है ये पहले से ही आइडेंटिटी में बना हुआ है सिर्फ सॉल्व करना है आइडेंटिटी हर पार्ट में लिखनी है ठीक है तो x की जगह यहाँ x है a की जगह यहाँ फोर है b की जगह यहाँ पर टेन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब फोर प्लस टेन इंटू एक्स एक्स है ए इंटू बी मतलब फोर इंटू टेन ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर फोर टेन या फोर्टी ये आपका आंसर क्लियर लास्ट पार्ट है थ्री एक्स प्लस फोर और थ्री एक्स माइनस फाइव है अब ये पार्ट करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ऊपर वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड दे रही हूँ ठीक है तो फोर का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर चलो बहुत आसान सा दिया है जल्दी से सॉल्व करके बताओ और आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना इसको ताकि आपको आइडेंटिटी भी याद हो जाए ठीक है ना चलो अब ये वाला पार्ट करते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको थ्री एक्स दे है ए की वैल्यू आपको फोर दे रखी है और बी की वैल्यू माइनस फाइव दे रखी है ठीक है तो एक्स स्क्वायर मतलब थ्री एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मतलब फोर प्लस माइनस फाइव इंटू में एक्स मतलब थ्री एक्स ए इंटू में बी मतलब फोर और यहाँ आ जाएगा माइनस फाइव तो थ्री एक्स स्क्वायर मतलब नाइन एक्स स्क्वायर देखो फोर में से फाइव जाएगा तो माइनस का वन बचेगा तो यहाँ माइनस का थ्री एक्स आ जाएगा और यहाँ माइनस का ट्वेंटी आ जाएगा फोर फाइव जाए ट्वेंटी कंप्लीट आपकी आज की वर्कशीट ठीक है आंसर ज़रूर दीजिएगा इसका बहुत आसान क्वेश्चन है कोशिश कीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में आइडेंटिटी भी लिखे ताकि आपको वो याद हो जाए कोई भी डाउट हो वर्कशीट में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा वर्कशीट हमारी कंप्लीट नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू